नमस्कार। कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र हमारे में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सास बहू के झगड़ों को खत्म करने के वह कौन से उपाय हैं। तलाक के जितने भी प्रकरण चलते हैं उनमें पति पत्नी के विवाद के साथ साथ सास बहू का झगड़ा भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 30% तलाक सास बहू के झगड़े परिवार में आपसी सामंजस्य नहीं होने के कारण होते हैं। शादी के बाद किसी भी लड़की के जीवन में काफी सारे नए रिश्ते बनते हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता होता है सास बहू का। यह रिश्ता सास और बहू दोनों के लिए नया होता है। सबसे ज्यादा विवाद भी इसी रिश्ते में होता है। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा विवाद जैसे ही बहू आती है तो सास को यह लगने लगता है कि उसका बेटा जो है अब उसकी बात कम सुनता है और बहू की ज्यादा सुनता है, और उसे ये लगता है कि घर के अंदर जो है उसका जो प्रभुत्व है जो पहले था वह कम होने लगा है बहू के आने के बाद। तो जो है धीरे धीरे जो है दोनों के बीच दूरियां बढ़ते जाती है, झगड़े बढ़ते जाते हैं, और यह झगड़े परिवार में इतने बढ़ जाते हैं कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन इससे इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के में इफेक्ट आने लगता है, दूरियां बढ़ने लगती है, तो यह तलाक का कारण बनता है। एक स्टडी के अनुसार 30% जो तलाक होते हैं वह सास बहू के रिश्ते बिगड़ने के कारण होते हैं। 30%, आप सोचिए, पति पत्नी को तो एक तरफ रख दीजिए, 30% रिलेशन सिर्फ सास बहू के झगड़े के कारण होते हैं। तो सास बहू दोनों यदि एक दूसरे के प्रति अपना, बहू जब सास को अपनी माँ समझने लगे और सास अपनी बहू को बेटी समझने लगे तो निश्चित तौर पर ये झगड़े खत्म हो सकते हैं और परिवार में आपसी सामंजस्य और प्रेम बना रहेगा। तो डेफिनेटली जो है घर प्रगति करेगा, रिश्ते अच्छे होंगे, तो प्रेम पूर्ण वातावरण के कारण आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि मानसिक तनाव जब होता है तो तरह तरह की बीमारियां लगती है। तो जो भी सास इस प्रोग्राम को देख रही है और जो भी बहू इस प्रोग्राम को देख रही है, तो मेरी बात को आप समझिए। जीवन में असफलता का कारण है घर में तनाव और क्लेश। व्यक्ति तभी तरक्की कर सकता है जब दोनों के बीच में परस्पर संबंध हो। घर के किसी भी सदस्य के बीच में यदि मनमुटाव होता है, मनभेद होता है, तो डेफिनेटली जो है मतभेद हो तो अच्छी बात है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, और वह मनभेद जो है दूरियां बढ़ा देता है और कई रिश्तों के अंदर तलाक का कारण बनता है। दुनिया में ऐसे कई रिसर्च आए। एक स्टडी पढ़ रहा था मैं अभी पंजाब की एक यूनिवर्सिटी की, सबसे ज्यादा तलाक के प्रकरण जो है पंजाब में होते हैं। तो उसने, एक व्यक्ति ने पीएचडी की है और उस पीएचडी का जो उसने जो अपना डाटा बनाया उसका रिसर्च पढ़ रहा था मैं, तो मैंने देखा कि 30% जो तलाक है वह सिर्फ सास बहू के रिश्ते के कारण होते हैं। तो आप सोचिए कितना हैरान करने वाली बात है यह। जो सास इस प्रोग्राम को देख रही है आज से यह प्रण ले कि अपनी बहू को बेटी समझे, और जो बेटी यह प्रोग्राम, जो बहू यह प्रोग्राम देख रही है वह यह प्रण ले कि सास को अपनी माँ समझे। तनाव से कुछ भी नहीं हासिल होने वाला, जीवन खत्म हो जाएगा। मैं कुछ ऐसे ज्योतिषी उपाय बता रहा हूं जिसके माध्यम से सास बहू के बीच प्रेम उत्पन्न होगा और प्रेम के साथ घर में जो है क्लेश खत्म होगा, और क्लेश खत्म होगा तो जीवन की जो गाड़ी है बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेगी। तो आइए जानते हैं वह 5 उपाय क्या हैं जो सास बहू के बीच प्रेम बढ़ाएंगे। मैं सास बहू के रिश्तों में यदि कड़वाहट है तो सबसे पहले जो बेटा है उसको अपनी माँ और अपनी पत्नी से जरूर बात करना चाहिए और इस उपाय के बारे में बताना चाहिए। यह बहुत ही सटीक उपाय है। करना क्या है, गुरुवार के दिन भोजपत्र पर गायत्री मंत्र चंदन से लिखना है और उसके 2 ताबीज बनाकर पीले कपड़े में, एक अपनी माँ के बाजू में और दूसरा अपनी पत्नी के बाजू में बांधने से सास बहू के बीच जो है प्रेम बढ़ता है, क्लेश खत्म होता है, बहुत लाभ होता है। यह ध्यान रखें कि पत्नी की दाई भुजा होना चाहिए और जो है आपकी माँ है उसकी बाई भुजा होना चाहिए। तो पत्नी की दाई भुजा में इस भोजपत्र को बांधना है गायत्री मंत्र से लिखकर, और
अपनी माँ की जो है बाई भुजा में बांधना है, आप ऐसा करिए, डेफिनेटली जो है दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा। और इसे बंधे रखिए और हर 3 महीने में यह करें आप, ऐसा करने से निश्चित तौर पर प्रेम बढ़ेगा, सास बहू का झगड़ा खत्म होगा। यह एक ज्योतिषी उपाय है। दूसरा उपाय भी बहुत छोटा सा है, प्रतिदिन एक रोटी बनाइए, उस पर घी लगाइए, शुद्ध घी लगाइए, उसमें गुड़ और चना डालकर जो है अपनी माँ और अपनी पत्नी का स्पर्श कराकर किसी गाय को खिला दें शाम के समय, देखेंगे कि दोनों के बीच जो है प्रेम बढ़ेगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा तथा क्लेश खत्म होगा। तीसरा उपाय बहुत सटीक है, रविवार को छोड़कर तुलसी जो होती है उसके 2 पत्ते आप पूजा में रखिए प्रातः काल स्नान के पश्चात, और 21 बार गायत्री मंत्र का जप कर भगवान से प्रार्थना करें कि मेरी पत्नी और मेरी माँ के बीच संबंध बहुत मधुर हो गए हैं, और वह पत्ते एक अपनी पत्नी को खिलाएं और एक अपनी माताजी को खिलाएं। डेफिनेटली जो है सास बहू के बीच प्रेम बढ़ेगा। सिर्फ रविवार के दिन यह नहीं करना है, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। प्रातःकाल पानी का घड़ा, मटका या जहां भी आप पानी स्टोर करके रखते हैं और फिर पीते हैं, तो उसमें आपको प्रातःकाल स्नान के पश्चात जो है 2 तुलसी के पत्ते डाल दीजिए और गायत्री मंत्र बोलते हुए डालिए, ओम भूर्भुवस्वःस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, और मनी मन यह कहें कि इस पानी को ग्रहण करने के बाद मेरी पत्नी और मेरी माँ के बीच जो है संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं, प्रेम पूर्ण वातावरण घर में रहा है। ऐसा करने से पूरे घर उसको पानी को पिएगा, सास बहू भी दोनों पिएंगी, तो डेफिनेटली जो है दोनों के बीच रिश्ता मधुर होगा और झगड़े खत्म होंगे। पांचवा उपाय बहुत छोटा है लेकिन बहुत अचूक है। कई परिवारों में जहां क्लेश था सास बहू के बीच, मैंने उन्हें बताया, उससे लाभ मिला है। शुक्ल पक्ष के दिन पहला गुरुवार जो होता है शुक्ल पक्ष का, हल्दी या चंदन या केसर, इसका तिलक पहले भगवान को करें, और भगवान को करने के पश्चात सास बहू जो है हल्दी और केसर का तिलक प्रातः काल अपने माथे पर लगाएं, फिर लगातार लगाते रहिए, आप कंटिन्यू में इसको करते रहिए। अगर आप केसर और हल्दी का तिलक माथे पर लगाते हैं तो डेफिनेटली जो है घर में क्लेश खत्म होगा और सास बहू के बीच प्रेम बढ़ेगा तथा घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। दोस्तों, इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से हम आपके जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं, लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। सारे उपाय शास्त्रोक्त होते हैं, पहले हम इनको अजमाते हैं उसके बाद आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यदि आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो वास्तु, ज्योतिष, तंत्र, आयुर्वेद संबंधी, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज वास्तु गुरु मनीष साई के नाम से, मेरा यूट्यूब चैनल गुरुदेव टीवी के नाम से, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। If you enjoyed watching our videos, do share it and don't forget to subscribe to our YouTube channel.